देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए रुक करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों का। औरैया में नगर पंचायत ऑफिस के अंदर बने केमिकल रूम में लगी भीषण आग, आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस। गोंडा में छपिया के वासुदेवपुर में दो सगी बहनों की मौत, घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली दोनों बहनें। बहनों की एक साथ मौत से इलाके में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मामले आए सामने। कोरोना के चलते एक मरीज की हुई मौत, 436 पॉजिटिव मरीजों की संख्या। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दिया आदेश, शिया वक्फ संपत्तियों से हटाए बैनर और पोस्टर, राज्य के सभी वक्फ संपत्तियों से हटाने के आदेश। लखनऊ में एलडीए के अपार्टमेंट में लिफ्टर ऑपरेटर होंगे तैनात, अब 24 घंटे लिफ्ट ऑपरेटर रहेंगे मौजूद। कुर्सी रोड स्थित एलडीए की बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट ऑपरेटर होंगे तैनात। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार कार पलटी, कार पलटने के दौरान राहगीरों में मची अफरा तफरी। गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित कलेवा चौराहे के पास की घटना। लखनऊ में कार सवार बदमाशों ने तीन युवक युवतियों को किया अगवा, 22 किलोमीटर तक की पिटाई। एक खाली मैदान में सभी के मोबाइल, नकदी और जेवरात लूटे। लखनऊ में मशहूर नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला का हुआ निधन। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला का विवेकानंद हॉस्पिटल में हुआ निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। कन्नौज में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर मारा छापा, छापेमारी के दौरान एक युवक गिरफ्तार, अवैध असलहे बनाने वाले उपकरण भी हुए बरामद। बुलंदशहर में लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में एक युवक दूसरे युवक को बेरहमी से मारता दिखा, राहगीरों के बीच बचाव के कारण शांत हुई मारपीट। बुलंदशहर में तालाब में अज्ञात शव मिलने से सनसनी, तालाब में पानी कम होने पर दिखा शव, मृतक के शरीर पर नहीं कोई चोट के निशान। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों के रिमांड हुए मंजूर, भारी सुरक्षा के घेरे में लवलेश, सनी और अरुण को कोर्ट में किया गया पेश। लखनऊ में नगर निगम और बड़ी पालिका वाले शहरों में होंगे सीएम योगी की जनसभाएं, वहीं भाजपा ने 20 अप्रैल के बाद से तैयार किया पार्टी नेताओं के चुनावी सभा का कार्यक्रम। लखनऊ में चुनाव प्रचार में 8 साल बाद एक साथ नजर आएंगे अखिलेश और शिवपाल, भाजपा के गढ़ वाले इलाकों में प्रचार का मोर्चा संभालेंगे शिवपाल यादव। लखनऊ में ड्यूटी से अनुपस्थित महोबा के 4 चिकित्सक बर्खास्त, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर हुई कार्रवाई, एक चिकित्सक की रोकी गई पेंशन। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने पर पार्टी का पूरा फोकस। प्रकृति प्रेमियों को सीएम योगी का तोहफा, नया गंतव्य होगा कुकरैल नाइट सफारी और रानीपुर टाइगर रिजर्व। अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, बोले भाजपा सरकार ने खो दिया आम जनता का भरोसा, कार्यशैली ने बर्बाद कर दी पूरी यूपी की कानून व्यवस्था। योगी सरकार के निशाने पर हर बड़ा माफिया अपराधी, जाति धर्म नहीं अपराध की प्रकृति देखकर हो रही कार्रवाई। उन्नाव में भाजपा प्रत्याशी विवेक सेठ का नामांकन खारिज, प्रस्तावक के हस्ताक्षर निकले फर्जी, पूछताछ में कबूला पूरा सच।
कर्नाटक के श्यामशिला से बन सकती है रामलला की मूर्ति। श्री राम के धनुर्धारी बाल स्वरूप दिखेंगे। मैसूर के मूर्तिकार तराशेंगे पत्थर। सिलेंडर ब्लास्ट से 44 घरों में लगी भीषण आग। कुशीनगर में 2 बच्चों समेत 3 की जिंदा जलकर मौत। 12 लोग झुलसे। गोरखपुर में युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। कर्ज में डूबा था महेंद्र। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी से पर्चा दाखिल करने गया था। मासूम को पेट में बांधकर रोजगार पर निकलता है पिता। पत्नी की मौत के बाद मां की जिम्मेदारी निभा रहा ई रिक्शा पर रोज 50 किलोमीटर का सफर करती है बच्ची। अतीक के वकील के घर के पास 3 बम फेंके। वकील बोले डराने के लिए धमाका। पुलिस बोली ये 2 अलग ग्रुप की लड़ाई है। लखनऊ के नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला का निधन। किडनी में संक्रमण की वजह से विवेकानंद अस्पताल में भर्ती हुए थे। डॉक्टर दीपक डालमिया के छोटे भाई ने किया सुसाइड। कोरोना के बाद से कर्ज में डूबे थे। सुसाइड नोट पे लिखा मुझे माफ कर देना। मेरठ में 50,000 का इनामी गिरफ्तार। 3 महीने पहले पुलिस हिरासत से हुआ था फरार। कई मुकदमे में है दर्ज। उन्नाव में 103 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। आचार संहिता के उल्लंघन में हुई कार्रवाई। मोरावा थाने में इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। फंदे से लटकता मिला शव। मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। बरेली में धरना प्रदर्शन। जुलूसों पर रोक। फोर्स हुई तैनात। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर IMC अध्यक्ष ने किया था धरने का ऐलान। यूपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए कोरोना संक्रमित। बिलासपुर में तेजी से फैल रहा संक्रमण। 24 घंटे के भीतर मिले 37 मरीज। रोडवेज बस के सामने किन्नरों ने किया अधनग्न होकर हंगामा। बस कंडक्टर पर दिव्यांग महिला से मारपीट का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने स्कूल छोड़ा। दोस्त ने सोशल मीडिया पर किए अश्लील फोटो वायरल। वही FIR हुई दर्ज। बुलंदशहर में सभी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। अब सुबह 7:30 से चलेंगी क्लासेस। 12:30 पर हो जाएगी छुट्टी। BSA का निर्देश जारी। भाजपा जिलाध्यक्ष पर 20 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप। भाजपा नेता प्रिंस सिंह की शिकायत पर चल रही जांच। नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा। 5 साल पहले स्कूल जाते समय अश्लील हरकतें कर दी थी। किडनैप कराने की धमकी। इटावा में छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की जेल। कोर्ट ने 8,000 का लगाया जुर्माना। 2.5 साल पुराने मामले की सुनवाई पूरी। रिश्वत मांगने के आरोप में 3 सिपाहियों पर केस दर्ज। बिजनौर SP ने 2 को किया निलंबित। मेरठ में रास्ते से मिट्टी हटाने को लेकर विवाद। दबंगों ने फावड़े से ई रिक्शा चालक पर किया हमला। घायल की हालत गंभीर। बदायूं में कोरोना की दस्तक। DM मनोज कुमार निकले पॉजिटिव। सभी स्टाफ की होगी जांच।
लखनऊ में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। डीसीएम को ओवरटेक करते समय पलटा कंटेनर, भैया के नीचे आए बाइक सवार दोनों। मथुरा पुलिस ने बरामद किए 91 मोबाइल। सर्विलांस सेल ने चोरी किए गए मोबाइल की ट्रेस पाकर खुश हुए लोग। सड़क किनारे मिला युवक का खून से लथपथ शव, शरीर पर थे गंभीर चोट के निशान। पुलिस बता रही एक्सीडेंट परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मथुरा नगर निकाय चुनाव को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव प्रचार अभियान से दूर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। किसी भी जिले में रैली नहीं करेंगी मायावती। चंदौली में डिवाइडर से टकराई चलती बस, बड़ा हादसा होते होते बचा, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। फतेहपुर में खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद, धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी खनन का कारोबार। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग, दो मासूम सहित 65 वर्षीय बुजुर्ग की जलकर मौत। डीएम ने पीड़ित परिवारों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। पाठ्यक्रम में सुधार और संशोधन के लिए कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने रखे अपने विचार। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में सड़क किनारे मिला युवक का शव, शव मिलने से मचो हड़कंप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को मिली मारने की धमकी, कहा अतीक अहमद की तरह मुझे भी मारेंगे गोली। ज्ञानवापी के पैरोकार पर इंजेक्शन अटैक, विसेन बोले शरीर में घबराहट हो रही, वायरस डाले जाने की आशंका। नोएडा में कुत्तों ने महिला पर किया हमला, गोद में पप्पी को लेकर 50 मीटर दौड़ी, लोगों ने बचाई जान। कुशीनगर अग्निकांड में जिंदा जले बुजुर्ग और दो बच्चे, प्रत्यक्षदर्शी बोले विकराल आग के सामने बेबस थे। बी फार्मा की छात्रा के फंदे से लटकती हुई मिले लाश, गोरखपुर में मां बहन के साथ रहती थी छात्रा। आगरा में स्कूल बस ने मासूम को रौंदा हुई मौत, गुस्से में आए ग्रामीणों ने बस में की तोड़फोड़, छात्रों को घर छोड़ने जा रही थी बस। अमरोहा में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, धर्म विशेष के व्यक्ति ने अकेला पाकर की छेड़छाड़, शोर मचाने पर पकड़ा गया। खाई में पड़े मिले युवक की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। एक्सीडेंट की बात कह रही पुलिस। फरुखाबाद में मां बेटी की मौत का मामला, साले ने बहनोई पर हत्या करने का लगाया आरोप। मृतका का भाई बोला आए दिन करता था मारपीट। हरदोई में सफाई कर्मी सरकारी दफ्तरों में बने हैं बाबू, गांव में छाई है गंदगी, जगह जगह कूड़े के लगे ढेर।
बदायूं के नगर निकाय चुनाव में टूटी सड़कें और गंदगी बनेंगे मुद्दा, लोगों ने कहा वोटिंग स्थानीय मुद्दों पर होगी। अमरोहा के हसनपुर में टमाटर से भरी कैंटर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, लाखों का नुकसान, गौवंश को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। शायस्ता की तलाश में प्रयागराज में दबिश जारी, गुड्डू मुस्लिम के घर पर चल सकता है बुलडोजर, नोटिस की तारीख खत्म। अतीक अशरफ हत्याकांड में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, तीनों हत्यारों को 4 दिन के पुलिस रिमांड, क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा। ट्रैक्टर की चपेट में आई मासूम बच्चे की मौत, पूर्व चेयरमैन का बेटा चला रहा था ट्रैक्टर, घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। बांदा में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, 2 दुकानों का सामान जलकर हुआ राख, लाखों का नुकसान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, एक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, लखनऊ से मऊ जा रहे थे दोनों। सीतापुर में मंदिर में तोड़फोड़ कर चोरी की वारदात, मंदिर के संरक्षक ने गांव के ही एक दर्जन लोगों के खिलाफ दी तहरीर, पुलिस ने दर्ज किया केस, तफ्तीश शुरू की। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर युवक ने किया सुसाइड, गुरुग्राम में करता था प्राइवेट नौकरी, परिवार बोला वो तो हमेशा खुश रहता था। सुल्तानपुर में जहर देकर विवाहिता की हत्या, बिस्ट्रा रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 3 महीने पहले हुई थी घटना। कानपुर में ईद की तैयारियां हुई तेज, बाजारों में जमकर हो रही खरीदारी। डीआईजी फायर पहुंचे कानपुर के शॉपिंग मॉल, अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह के तहत जागरूक किया वही कर्मियों को, आग से बचाव के उपाय बताए। कानपुर में अनियंत्रित ट्रेलर पेड़ से टकराई, चालक और कंडक्टर की मौत, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। पचहत्तर जिलों की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।